ध्यान देना बेटा, कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात जब चल रही थी बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने कॉमन साइज स्टेटमेंट देखा था, इंडिविजुअल फिगर को हमने कन्वर्ट किया था परसेंटेज में, इंडिविजुअल फिगर को टोटल के कंपैरिजन में हमने परसेंटेज फॉर्म में लिखा, दैट्स इट, गेम ओवर। जैसे क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दिया है बेटा, कौन सी बैलेंस शीट दिया है, हॉरिजेंटल, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका, उस हॉरिजेंटल फॉर्मेट को वर्टिकल में कन्वर्ट करो। दूसरा काम, इंडिविजुअल फिगर को टोटल के साथ में कंपेयर करो, टोटल फंड्स के साथ में कंपेयर करो और परसेंटेज निकाल लो, दैट्स इट, हो गया कॉमन साइज स्टेटमेंट खत्म। यही तो करते हैं ना, जैसे कैश है 2000, टोटल फंड्स है 10000, कैश है टोटल फंड्स के कंपेरिजन 20%। बट अब क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है, बैलेंस शीट बनाना है कॉमन साइज में, कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना है, कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना है, तो पहले इस हॉरिजेंटल फॉर्मेट को हम लोग वर्टिकल में कन्वर्ट करेंगे, पहले हॉरिजेंटल को वर्टिकल में कन्वर्ट करेंगे, बाद में इंडिविजुअल फिगर को टोटल के साथ कंपेयर करेंगे। आ जाओ, इस बैलेंस शीट को ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में वर्टिकल में कन्वर्ट किया था, ये कर दिया, और अब इंडिविजुअल फिगर को टोटल के साथ कंपेयर करो। इंडिविजुअल फिगर है 9 लाख, टोटल फंड्स ये 16-30 है, सो 9 लाख ये 16,30,000 के कंपेरिजन में कितना परसेंट है, 55.22, 80,000 ये 16,30,000 के कंपेरिजन में कितना परसेंट है, 4.91, 1.5 लाख, 1,50,000 ये 16,30,000 के कंपेरिजन में कितना है, 1,50,000 ये 16,30,000 के कंपेरिजन में कितना परसेंट है, बरोबर है क्या, 3.2%। सो हर एक इंडिविजुअल फिगर को देखो, ध्यान देना, मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, सो अब देखो, ये इसके साथ कंपेयर करो, ये फिगर इसके साथ कंपेयर करो, ये फिगर इसके साथ कंपेयर करो, ये फिगर इसके साथ, ये फिगर इसके साथ, ये 5 लाख इसके साथ, सो हर एक फिगर को मैंने किसके साथ कंपेयर किया, टोटल फंड्स के साथ, और ये परसेंटेज लिख दिए साइड में, बरोबर, क्लियर। वैसे 9 लाख 16,30,000 की कंपेरिजन कितना है, 55.21, बार बार निकालने की जरूरत नहीं, एक बार निकाल लिया तो 1,50,000 कितना है, बार बार निकालने की जरूरत नहीं, 5,80,000 16-30 के कंपेरिजन में कितना है, और 16-30 के कंपेरिजन में 100 है, बरोबर है। जो भी इंडिविजुअल आइटम है डिवाइडेड बाय टोटल फंड इनटू 100, ये फॉर्मूला है। अभी हमने बैलेंस शीट को कॉमन साइज में कन्वर्ट किया, बस ये वाला कॉलम एक्स्ट्रा है, बाकी और कुछ नहीं है। अब इनकम स्टेटमेंट को हमें कॉमन साइज स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। ये आपको इनकम स्टेटमेंट दे दिया, ये आपको इनकम स्टेटमेंट दे दिया, नेट सेल दे दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, लेस खर्चे, लेस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, बरोबर ना, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस हो गया तो आया ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट से सारे खर्चे माइनस हो गए, सारे खर्चे, ये वाले भी और ये वाले नीचे वाले भी, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन माल बेचने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो खर्चा लगता है, और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा, ऑफिस एडमिन करने के लिए, है ना, तो ये ऑफिस का खर्चा और ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आखिरी में मिला नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, बरोबर है। हाँ, एक बच्ची ने बोला सर टोटल फंड्स को डायरेक्ट 100% लिख दिया तो चलेगा क्या, हाँ 100 ही लिखना पड़ेगा ना बेटा, टोटल फंड्स के कंपेरिजन में सब कुछ है, तो टोटल फंड्स के कंपैरिजन में टोटल फंड्स तो 100% ही रहेगा, टोटल फंड्स को डायरेक्ट आप 100% लिख दो। एक बच्ची ने सवाल पूछा सर टोटल फंड्स को डायरेक्ट 100 लिख देना है क्या, हाँ इनको डायरेक्ट 100 लिख देना, और ये दो का अगर आपने फिगर निकाल लिया तो उसके बाद में बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर ये है, देखो इन तीनों की टोटल कितनी है 100, तो अगर ये आ गया आपका इतना इतना तो बचा हुआ यहाँ लिख देना, तो तीसरे का टाइम बच जाएगा यहाँ पे निकालने का, बरोबर। सो अब ये क्वेश्चन में दे दिया आपको इनकम स्टेटमेंट दो अलग अलग पीरियड का, ओहो हो, दो पीरियड का इनकम स्टेटमेंट दिया है, कितने पीरियड का, दो पीरियड का, तो यहाँ पे दोनों पीरियड का बनेगा क्या, यस दोनों पीरियड का बना लेते हैं, बहुत आसान है, अच्छे से ध्यान दे दो, दोनों पीरियड का बना लेते हैं। कैसे बनेगा दोनों पीरियड का, देखो तो पर्टिकुलर्स
बरोबर है, अमाउंट, ये स्प्रेड की अमाउंट है ना, ये एक ब्रेड की अमाउंट लिख लो और उसके बाद में दूसरे ब्रेड की अमाउंट लिख लेंगे। अमाउंट कौन सा ब्रेड था ये, 31 जनवरी 2019। फिर परसेंटेज, फिर से अमाउंट, 31 मार्च 2020। बरोबर है, ये ना 31 जनवरी नहीं चाहिए, ये 31 मार्च है, ये करेक्शन कर लेना, प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा उसमें, है ना। और फिर से परसेंटेज, तो ये दो बार करना है, है ना, ऐसी रहेगा ना दो बार। सीरियल, ये बोलो सेल्स, बरोबर है, सेल्स ले लिया, सेल्स कितना है, 5 लाख और ये 6 लाख, 5 लाख और ये इसका सेल है 6 लाख, बरोबर है। फील गुड करवाने के लिए ये अपना फॉर्मेट, बराबर है, ये 6 लाख। हम 5 लाख और 6 लाख, 3 लाख 360 सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है बेटा, 3 लाख, 3 लाख 60 हज़ार, 3 लाख और 3 लाख 60 हज़ार इज इक्वल टू आया आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट। दो लाख इसमें से माइनस कर दिया है तो 2 लाख 40 हज़ार लेस ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस, लेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। देखो कितना आसान है, बरोबर है कि नहीं, इज इक्वल टू आपके पास आया नेट प्रॉफिट। बोलो कितना है ये, 2 240 आ गया, लेकिन 55 52 500 ये माइनस करो दोनों खर्चे, सब क्वेश्चन में माइनस करके दिए हुआ है, बचा 92,500, ये 72 66 बचा 1,02,000, बरोबर है क्या, क्लियर है। अब अच्छे से ध्यान देना, अब मैं यहाँ पे कंपेयर किसके साथ करूँगा, इनकम स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में मैं किसके साथ कंपेयर करता था, टोटल फंड्स के साथ, टोटल फंड्स के साथ, बैलेंस शीट के केस में मैं टोटल फंड्स के साथ कंपेयर करता था, बैलेंस शीट में मैं टोटल फंड्स के साथ, फिर चाहे बोरोड हो चाहे अप्लाइड हो, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में किसके साथ कंपेयर करना है, बोलो बोलो बेटा, इनकम स्टेटमेंट में किसके साथ कंपेयर करना है, हाँ फटाफट से, नेट सेल्स के साथ, इनकम स्टेटमेंट में किसके साथ कंपेयर करना है, नेट सेल्स के साथ। ये बात समझ आई सभी को, ध्यान रखना हमेशा, इनकम स्टेटमेंट में नेट सेल को हम लोग बेस लेंगे, हियर आंसर का ही पार्ट है, नोट लिखना है, हियर नेट सेल्स विल बी टेकन एज बेस, नेट सेल्स को क्या लेंगे, बेस लेने वाले, नेट सेल्स को हम लोग क्या लेंगे, बेस लेंगे, मतलब सेल हमारा बेस है, मतलब सेल को 100 समझेंगे, मतलब सेल को हम लोग क्या समझेंगे, 100%, सेल को क्या समझेंगे, 100%। अब 5 लाख 100 है तो 3 लाख कितना परसेंट हुआ, 60%, बरोबर है ना,
2 लाख कितना परसेंट हुआ है, 2 लाख सेल्स के कंपैरिजन में 40%। देखो ना, ये COGS अपॉन सेल्स इंटू 100, COGS कितना था 3 लाख, अपॉन सेल्स कितना था 5 लाख, इंटू 100 कितना आया 60%। हर एक चीज को सेल्स के साथ कंपेयर करना है। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, इसको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो भी कहते हैं, जीपी रेशो, 2 लाख। ये नहीं भी किया आपने, अगर ये 5 में से 3 60% है तो 5 में से 2 40% है। बराबर है क्या, यस और नो? उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, वो 5 लाख है, 55,000 है, 11,55, ये आ गया 11%। अब ये बराबर ना, 55,000 ही 5 लाख का 11% है। देन उसके बाद 52,500, 55,000 11% है, तो यहाँ पे 50,000 10% है, 55,000 है तो 5,000 से बढ़ गया तो 1% बढ़ा, यानी 2,500 यानी आधा परसेंट, तो 55 से 2.5 कम, आधा परसेंट कम, यानी 10.5%। जैसे आपके चौथी के टीचर ने आपको मैथ्स पढ़ाया वैसे भी परसेंटेज निकाल सकते हो। नेट सेल को आपने अज्यूम करना है, नेट सेल को अज्यूम करना है बेटा 100। अब ये 100 है तो ये 60, ये 40, ये 11, 10.5, वैसे 92,500 का निकालो, 92,500 का, बोलो बेटा कितना आ जाएगा, करीब करीब इसका आ जाएगा 18.5%। आपने कैलकुलेट कर लेना डायरेक्टली, समझ में आया? वैसे 6 लाख के कंपैरिजन में 3,60,000 कितना है बेटा, ये भी 60% है, ये 60 आया तो ये आ जाएगा 40%, क्योंकि सेल में से COGS माइनस किया तो क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट। सेल में से COGS माइनस किया तो क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि देखो ना, सेल्स माइनस COGS इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर ये 100 है, ये 60 है, तो पक्के में ये 40 ही रहेगा ना, बराबर है? वैसे 7,200 निकालो, ये कितना आ जाएगा बेटा, 12×72, 12×6=72, ये अराउंड 12% आ जाएगा, बराबर? ये आ जाएगा 11×6=66, ये आ जाएगा 11%। वैसे ये निकालो, ये अराउंड 17×6=2102, 17% के आसपास कुछ ही आ जाए। सिंपल है, परसेंटेज आप आपके हिसाब से भी निकाल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, परसेंटेज आप आपके हिसाब से भी निकाल सकते हो, जैसा आपको इजी लगे, जैसा आपको इजी लगे। सर मुझे एक बात बताओ, इसका बेनिफिट क्या है? अरे इससे हमें ट्रेंड समझ में आता है, इसका बेनिफिट क्या है? पिछले साल हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 40% था, इस बार भी 40 ही है, अरे 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 अरे, अरे कुछ कमाए नहीं। पिछले साल एक्सपेंसेस 11% थे हमारे सेल के, इस बार 12 हो गए। मैनेजर इधर, कैसे हो गए रे 12%? ट्रेंड समझ में आया, खर्चे बढ़ गए, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज सेम है, खर्चों का परसेंटेज बढ़ गया, नेट प्रॉफिट कम हो गया, ट्रेंड समझ में आता है। इसका बेनिफिट क्या है, हमें ट्रेंड समझ में आता है। अच्छा ये देखो, आंसर इधर भी लिया हुआ ही था, ये देखो ये आंसर लिया हुआ है यहां पे, ये जो हमने साइड में लिखा इन्होंने नीचे लिख करके दे दिया, यस और नो? इसके बेनिफिट, ये आंसर ही बेटा, जो भी इन्हें भी लिखा ना, सोल्यूशन नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन, ये वही सोल्यूशन है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है आपके, अब ध्यान देना। इसके बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट, यस और नो? बोल बेटा क्या बेनिफिट है? एक तो वी अंडरस्टैंड ट्रेंड्स इन आवर इंडस्ट्री, हमारे इंडस्ट्री का हमें ट्रेंड समझ में आएगा इससे, यस और नो? तो हम लोग फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर की हमारी पोजीशन क्या हो सकती है, सर उससे क्या कर लेंगे हम लोग, हम लोग ट्रेंड समझ सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अभी मैंने 2 साल के इनकम स्टेटमेंट कंपेयर किए ना, है ना? हेल्प्स इन कॉमन साइज स्टेटमेंट, CSS कॉमन साइज स्टेटमेंट हेल्प्स इन कंपैरिजन और कंपैरेटिव स्टडी,
कंपैरिजन में मदद मिलेगी, यस और नो? कंपैरिजन इंटर फर्म भी हो सकती है दो फर्म के बीच में, या फिर एक ही फर्म का साल 2019, एक ही फर्म का साल 2020, साल 2024, साल 2025, इंटर फर्म दो अलग अलग फर्म का, या इंट्रा फर्म एक ही फर्म का दो अलग अलग पीरियड का 2019-2020, यस और नो? सो कंपैरिजन में मदद मिलेगी, यस और क्लियर है, पक्की बात? एंड विल गेट इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, कुछ बात समझ आई क्या? सो ये सारी चीजों हम लोगों को कंपेरेटिव या सॉरी कॉमन साइज स्टेटमेंट से समझ में आ जाएगी, कंपैरिजन करने में आसानी हो जाएगी, ट्रेंड समझ में आएगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी फॉर डिसीजन मेकिंग, क्लियर है, पक्की बात? यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई तकलीफ है तो पूछो, एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट। पक्का? डन? चलो ठीक है, ठीक है, क्लियर है, डन। अब मैं, ये था कॉमन साइज स्टेटमेंट, पहले हमने देखा था कन्वर्जन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन देखा कॉमन साइज स्टेटमेंट, अब हम लोग देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहले एक बार रुक जाते, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछो, एनीबडी एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी? नो डाउट, चलो आगे। सो बच्चों एक काम करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बचाओ टॉपिक कल खत्म करते हैं, है ना? नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में कोशिश करेंगे, ये लेक्चर फिर मैं यहीं रोकता हूँ, डन? बट एक बार आपको बताना चाहूँगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली है क्या, इतना तो समझ लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली है क्या, अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। सर गिन के 5 मिनट सर, हाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ तो लो, इसके बारे में नाम निकल गया क्या? मुझे रात को नींद नहीं आएगी, वरना आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का नाम बता दिया और बताया नहीं, नो नो नो, ध्यान दे दे बेटा, आजा आजा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का नाम बता के अधूरा नहीं छोड़ सकते, ठीक है, आ जाओ, ध्यान देना बेटा एक बार, सब लोग ध्यान दे दो। सो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम में ही मीनिंग है, इज अ स्टेटमेंट विच हेल्प अस इन एनालिसिस, किस चीज का एनालिसिस करने में हेल्प कर रहा है, एनालिसिस ऑफ सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बरोबर है क्या? हमारे धंधे में कौन कौन से एक्टिविटी से कितनी कैश आ रही, बरोबर है, इज अ स्टेटमेंट, इज अ स्टेटमेंट, बरोबर है क्या, और मेथड ऑफ एनालिसिस, किसका एनालिसिस, मेथड ऑफ एनालिसिस, किसका एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ कैश, सर कैसे एनालिसिस, कैश का क्या, एनालिसिस ऑफ सोर्सेस एंड एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ कैश, धंधे में कैश कहां कहां से आया और कहां कहां यूज किया, धंधे में कैश कहां कहां से आया और कहां कहां यूज किया, बरोबर है क्या? लेकिन कैसे सर, वो तो हम लोग कैश अकाउंट बना के भी कर लेते हैं, कैश अकाउंट से भी समझ में आ जाता है, कैश आया और ये कैश गया, नो, बट इससे आपको एक्टिविटी वाइज नहीं समझता, एक्टिविटी वाइज
एक्टिविटी वाइज इससे नहीं समझता, है ना, इससे समझेगा। सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश का एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं कैसे, एक्टिविटी वाइज। सर समझा नहीं, एक्टिविटी वाइज मतलब प्लीज ध्यान देना, ये हमारा बिजनेस है, बिजनेस में कैश आती है कैश जाती है, बेसिकली तीन एक्टिविटीज होती है जिससे धंधे में कैश आती है और जाती है। पहली एक्टिविटी है ऑपरेटिंग, ये बिजनेस की प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है। सर मतलब जैसे किराना दुकान वाले ने किराना माल बेच के पैसा कमाया, उसका वो प्रिंसिपल धंधा है, मेन धंधा है, यस और नो? मैं लेक्चर बेच के टेस्ट सीरीज बेच के पैसा कमा रहा हूँ, ये मेरा मेन काम है, मेरे लिए ये प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, बरोबर? मैंने शेयर मार्केट से पैसा कमाया, क्या वो मेरी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है क्या? नो। किराना दुकान वाले ने सट्टे में पैसा कमाया, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है? नो। किराना शॉप है, उसको रेंटल इनकम आ रहा, क्या वो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है? नो। सर फिर वो कौन सी एक्टिविटी रहेगी बाकी की? बताता हूँ, प्लीज ध्यान देना, आ जा मुन्ना, है ना। सो मैं मेरे बिजनेस की एक्टिविटीज को बाइफरकेट कर दिया तीन एक्टिविटीज में, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और तीसरी है फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बेसिकली क्या हो रहा है बेटा बताओ तो? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर में हमने लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेस किया और बेच दिया और इनकम फ्रॉम सच लॉन्ग टर्म एसेट, और कोई कोई भी कभी कभी इसमें शॉर्ट टर्म भी आ सकती है, ST शॉर्ट टर्म, LT लॉन्ग टर्म, बट वो असेट इसमें या फिर वो इनकम इसमें नहीं आएगी जो ऑपरेटिंग में आ गई। क्लियर है सर? एग्जाम्पल दो इन्वेस्टिंग के, सबके एग्जाम्पल देता हूँ बेटा, चिंता मत करना, है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल है सेल ऑफ गुड्स, एडमिन एक्सपेंसेस पेड एक्सेट्रा, बरोबर है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मशीन खरीदा, असेट खरीदा, असेट बेच दिया, ये सब उसके एग्जाम्पल है, बरोबर? सर हर एक्टिविटी में कैश का इनफ्लो भी हो सकता है और आउटफ्लो भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, हर एक्टिविटी में कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों भी हो सकता है। जैसे ऑपरेटिंग में कैश आ भी सकती है, जा भी सकती है, इन्वेस्टिंग में आ भी सकती है, जा भी सकती है, फाइनेंसिंग में आ भी सकती है, जा भी सकती है, हर जगह पे प्लस माइनस दोनों भी हो सकता है। यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। जैसे मैंने असेट खरीदा, माइनस हो गया, असेट बेचा, प्लस हो गया। मैंने एक फ्लैट खरीदा, उससे मुझे रेंटल इनकम आ रहा है, फ्लैट खरीदा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा माइनस हो गया, उस फ्लैट से मुझे रेंटल इनकम आ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा प्लस हो गया। मेरा किराना दुकान है, मैंने माल खरीदा, परचेस किया, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, पैसा माइनस हो गया। माल बेचा, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, पैसा प्लस हो गया। और फाइनेंसिंग में क्या आएगा सर जरा बताना तो? फाइनेंसिंग में जो भी आपके लोन्स है, जैसे आपने कंपनी ने शेयर्स इशू किए मार्केट में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कंपनी ने लोन लिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यस और नो? क्लियर, पक्की बात, डन? यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे शेयर्स इशू किए, शेयर्स इशूड, पैसा आया, प्लस हो गया, है ना। उसके बाद एक और एग्जांपल लेता हूँ आपको समझाने के लिए, लोन टेकन, पैसा आया, प्लस हो गया,
लोन रीपे सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। लोन रीपे पैसा गया माइनस हो गया, शेयर्स इशू किया, इस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड दिया कंपनी ने, कंपनी ने डिविडेंड दिया, डिविडेंड पेड, पैसा गया माइनस हो गया, यस और नो। इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट ऑन लोन, पैसा गया माइनस हो गया। तीनों एक्टिविटी समझ में आई थोड़ी बहुत, एक इंट्रोडक्टरी आइडिया आया तीनों एक्टिविटी का, इंट्रोडक्शन एक 5-10% है ना। ये अपने 12th का कैश फ्लो स्टेटमेंट। आगे जाके जब आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे ना सी ए सी एस या सी एम ए, तो उसके अंदर में कैश फ्लो स्टेटमेंट का सेपरेट टॉपिक है, उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक सेपरेट टॉपिक है बेटा। यस और नो, क्लियर है? पक्की बात, बहुत सिंपल सिंपल इस पर क्वेश्चन आएंगे, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। सर ये लेकिन बनाते क्यों है, है ना, ये बनाते, आपके मन में सवाल आता होगा ना कि सर क्यों कर रहे हैं, पर इतना लफड़ा क्यों कर रहे हैं, है ना। बहुत सिंपल सी वजह इसके पीछे की, वाई कैश फ्लो स्टेटमेंट, वाई, वाई कैश फ्लो स्टेटमेंट, वाई नीड और ऑब्जेक्टिव, कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाते हैं। सबसे पहले तो हमें हमारी एनालिसिस ऑफ कैश पोजीशन समझ में आ जाएगा, एनालिसिस ऑफ हमारी कैश बैंक पोजीशन, कैश बैंक पोजीशन। सर एनालिसिस करके क्या करोगे, इंफॉर्मेशन मिलेगी, डिसीजन मेकिंग में मदद होगी, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। भैया यहाँ पे इस साल इस एक्टिविटी में बहुत कैश गया, बहुत लोन लिया, कम लोन लो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे खर्चा हुआ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा आया है, देख के यूज़ करना है, ये सो नो। हमारी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प हो जाएगी, फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प हो जाएगी, यस और नो। हमें लिक्विडिटी पोजीशन हमारी समझ में आ जाएगी, हमारे पास कितना पैसा है या कितना आने वाला है, कितना आ सकता है, अंदाज लगा सकते हैं क्या हम लोग, यस और नो। रिसीट पेमेंट का स्टडी हो जाएगा, रिसर्च, हमारी जो भी रिसर्च हो रही है किसके ऊपर, ऑन रिसीट एंड पेमेंट, ऑन रिसीट एंड पेमेंट, ऑन रिसीट एंड पेमेंट, यस और नो। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का एनालिसिस कर, अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, कैश का एनालिसिस करते हैं। जब भी मैं बोलूँ कैश तो समझ जाना कैश बैंक में दोनों की बात कर रहा हूँ, जब भी मैं बोलूँ कैश तो समझ जाना मैं कैश बैंक दोनों की बात कर रहा हूँ। क्लियर? पक्की बात? डन। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो बोल लो, 10-12% तो समझाना, एटलीस्ट 10-12%। नेक्स्ट लेक्चर में इसको और डिटेल हम लोग पढ़ेंगे और इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद 12th में कुछ नहीं है सर, और नया है क्या इसमें कुछ, नो नया कुछ नहीं है, जो है वो सब यही है, जो है वो सब यही है, बस इसी को और डिटेल में पढ़ेंगे, इसी को। मेन आपके बिजनेस में तीन ही टाइप की एक्टिविटीज़ है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, बरोबर है? डन। इतना कह के मैं मेरे आज के दो शब्द समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।